नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल रोहितास गोल्डा खालसा। इस वीडियो में पीएडधारियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। बीएसटीसी धारियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। बिहार व हरियाणा की शिक्षक भर्ती में पेंच फंसने के बाद एनसीटी की ओर से जारी एक आदेश में बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत दी गई है, लेकिन इस नए नियम में बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार व हरियाणा की शिक्षक भर्तियों में पेंच फंसने के बाद एनसीटी की ओर से जारी एक आदेश में बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत की बड़ी खबर है, लेकिन इस नए नियम से बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल अब बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए एनसीईटी ने लेवल प्रथम की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने का फरमान जारी किया था। इसके बाद कई राज्यों में इस दिशा में अभ्यर्थियों को छूट भी दे दी गई थी। बदले हुए नियमों के बाद राजस्थान में पहली शिक्षक भर्ती होगी। ऐसे में बेरोजगारों को राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार भी रहेगा। राज्य सरकार इस नियम की समीक्षा कराने में जुटी है। फिलहाल शिक्षा विभाग एनसीटी के फैसले को लेकर विधिक राय लेने में जुटा हुआ है। विधिक टिप्पणी के बाद ही सरकार आगामी शिक्षक भर्ती में इस पैटर्न को लागू करने का फैसला लेगी। हरियाणा, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में ऐसा कर लिया गया है और सीबीएसई की ओर से होने वाले सीटेट में इस नियम के तहत छूट भी दे दी गई है। तो फिर प्रथम लेवल में सबसे ज्यादा मारामारी हो सकती है। प्रदेश में अब तक हुई प्रथम लेवल की शिक्षक भर्तियों में बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी शामिल होते रहे हैं। अब यदि सरकार राज्य सरकार की एनसीटी के फैसले को लागू करती है तो प्रथम लेवल में नौकरी के लिए सबसे ज्यादा मारामारी होगी, क्योंकि इसमें बीएसटीसी अभ्यर्थियों के साथ बीएड डिग्रीधारी भी शामिल होंगे। फिलहाल ये नियम कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए फिलहाल बीएसटीसी योग्यता निर्धारित है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये लेवल प्रथम में शामिल होते हैं, जबकि बीएड डिग्रीधारी द्वितीय लेवल की परीक्षा में शामिल होते हैं। इनको कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षक बनने का मौका मिलता है। बेरोजगारों के हित में फैसला। एनसीटी ने पिछले दिनों बीएड डिग्रीधारियों को प्रथम लेवल में शामिल करने के संबंध में कई राज्यों के लिए आदेश जारी किया था। राज्य सरकार ने इस पूरी तरह से विधिक स्तर पर समीक्षा कराकर कोई निर्णय लेना चाहिए। उपेन्द्र यादव, प्रदेश संयोजक राजस्थान बेरोजगार एकीकृत की जाने से यह बहुत अच्छी खबर। तो दोस्तों, ये थी आज की बीएडधारी दोस्तों के लिए अच्छी खबर। तो चलिए जानते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।